तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 160 से। एवेंजर 160 की बात करें तो रोस्टर डिजाइंड हेडलैम्प आपको DRL के साथ मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक जगह मिल जाता है। और इसमें आपको 60 वाट का हेलोजन DRL के साथ, और साथ ही साथ आपको इंडिकेटर मिल जाता है हेलोजन बल्ब के साथ, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही लचीला और ज़बरदस्त यूनिक लगता है। और यहाँ पे आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विथ डबल क्रेडल विथ कवर के साथ आपको मिल जाता है, एंटी फंक्शनल बूस्ट के साथ। और साथ ही साथ आपको लुक, इसका जो फीचर्स है जो बाहरी जो धूल मिट्टी वगैरह से प्रोटेक्ट करता है, अगर वहीं पर बात करें हम 220 एवेंजर क्रूज़ की, तो उसमें आपको मिल जाता है एक बहुत बड़ा सा विंडशील्ड आगे की ओर जो प्रोटेक्ट करता है धूल वगैरह मिट्टी को, रोकता है। साथ ही साथ आपको मिल जाता है क्लासिक डिजाइनर हेडलैम्प DRL के साथ, जो काफ़ी ज़बरदस्त लगता है, उसके लुक को बढ़ाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको मिल जाता है 60 वाट का हेलोजन बल्ब के साथ, और इसका फीचर्स आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, देखने में काफ़ी यूनिक और बेहतरीन लगता है। सामने की मडगार्ड कुछ इस तरह की आपको मिलती है, और साथ ही साथ में इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विथ डबल एंटी फंक्शनल मिलता है विदाउट कवर के साथ। अगर इसके हम डिस्क की बात करें तो बड़ा डिस्क 280mm की डिस्क विथ ABS चैनल के साथ मिल जाता है, और आपको स्पोक एलॉय व्हील्स के साथ आपको ये बाइक मिल जाती है। और नंबर प्लेट लगाने के लिए सेम 160 के तरह ही आपको मिल जाता है। और इसके अगर ट्यूबलेट्स की ट्यूब की बात करें तो 90x90 ट्यूबलेस टायर 17 इंचेस के साथ स्पोक व्हील में आपको मिल जाता है। अगर वहीं पर हम 160 की बात करें तो आपको 280mm का डिस्क विथ ABS के साथ मिल जाता है, स्पोक एलॉय व्हील्स मिल जाता है। ब्लैक कलर का अगर ट्यूब की हम बात करें तो 90x90 आपको 160 पे भी मिल जाता है। और एंटी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद डबल एंटी फंक्शनल ABS चैनल के साथ आपको मिल जाता है, जो देखने में काफ़ी ज़बरदस्त और लगता है। और इसका एलॉय व्हील कुछ ब्लैक कलर का आपको मिल जाता है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत और यूनिक गाड़ी को बनाता है 160 एवेंजर। अगर इसी इंजन व्यू की बात करें तो DTSI ट्विन स्पार्क 160 इंजन आपको मिल जाता है, सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टर 4 स्ट्रोक SOSC ट्यूब बल्ब और एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है। अगर वहीं पर हम उसके मैक्स पावर की बात करें तो 11.03 किलोवाट एंड 15 PS विथ 8500 RPM पे आपको ये बाइक मिल जाती है 160। उसके साथ अगर टॉर्क की बात करें तो 13.7 Nm और 7000 RPM पे आपको बाइक मिल जाती है। और व्हील बेस की बात करें तो 1490 mm मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 169 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, और कर्व हाइट की बात करें तो 156 kg की आपको कर्व हाइट मिल जाती है। और साथ ही साथ आपको रिलैक्स पोजिशन पे आसान राइडिंग के लिए अनोखा पेटेंट फुटरेस्ट पोजीशन मिल जाता है, और आपको थ्रोटल एग्जॉस्ट नॉट्स भी आपको 160 में मिल जाता है, जो कुछ इस प्रकार का आपको दिखता है। अगर वहीं पर हम बात करें 220 एवेंजर क्रूज की, तो आपको मिल जाता है ट्विन स्पार्क DTSI 220 इंजन विथ सिंगल सिलेंडर व्हर्लपूल इंजन फ्यूल इंजेक्टेड के साथ 4 स्ट्रोक 2 बल्ब के साथ। अगर इसके मैक्स पावर की बात करें तो 13.98 किलोवाट और 19.03 PS 8500 RPM के साथ आपको मिल जाता है। अगर वहीं मैक्स टॉर्क की बात करें तो 17.55 Nm और 7000 RPM पर आपको मिल जाती है। इसके लेंथ की अगर बात करें दोस्तों तो 2210 mm और विथ 806 mm की मिल जाती है, और हाइट की बात करें तो 1321 mm मिल जाती है, और सैडल हाइट की बात करें तो 737 mm मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 179 सेम 160 के तरह मिल जाता है, और व्हील बेस जो है आपको 1490 mm की मिल जाती है। उसके बाद आसान राइडिंग के लिए अड्डों का फुटरेस्ट स्टैंड आपको इसमें भी मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको अगर इसके लुक की बात करें तो लगभग दोनों का लुक सेम है, और दिखने में काफ़ी यूनिक और कंफर्टेबल बाइक आपको मिल जाती है। इसके सीट की अगर बात करें तो आपको कुशन बैकरेस्ट वाली क्रम सलंग वाली लंबी सीट आपको मिल जाती है, जो आपको सेम 160 बाइक पे भी मिल जाती है। उसके साथ साथ इसमें एक अनोखा क्रूज है, जिसका कि आइकोनिक क्रूज लुक्स होता है, और 160 में आपको क्रूज लुक्स नहीं मिलता है। ऊंचा हैंडल बार आपको 160 में भी मिलता है, उसी प्रकार से आपको 220 क्रूज में भी मिल जाता है, और स्टाइलिंग और एग्जॉटिक बॉडी कलर आपको इसमें भी मिलता है और 160 पे भी मिल जाता है। दोनों का लगभग सेम है, लेकिन पिनियन के लिए एक्सटेंट फुटरेस्ट कुछ अलग प्रकार का होता है, 160 में थोड़ा छोटा होता है और 220 में आपको थोड़ा बड़ा मिल जाता है। यहीं पर अगर हम 220
सीट की बात करें तो आपको कुशन बैकरेस्ट वाली कम सलंग लंबी सीट मिल जाती है रिलैक्स पोस्चर के साथ। और साथ ही साथ आपको अगर इसके टायर की बात करें तो 130/90 विथ ट्यूब स्पोक व्हील्स के साथ आपको मिल जाता है। और इसके टैंक लीटर की बात करें तो 13 लीटर की आपको टैंक मिल जाती है विथ 3.8 लीटर की आपको रिजर्व में भी मिल जाती है। यानी कि डिजिटल क्लस्टर आपको मिल जाता है, मल्टी फंक्शनल डिजिटल क्लस्टर विथ टैंक में आपको एक अलग डिस्प्ले जो फील को दिखाता है, ये सारा चीज़ है। और साथ ही साथ इसके स्पोक एलो व्हील आपको मिल जाता है 130mm ड्रम ब्रेक के साथ, जो 220 को बहुत ही ज़बरदस्त और ज़बरदस्त लुक प्रदान करता है। वहीं अगर हम एवेंजर 160 की बात करें तो आपको चौरा टायर मिल जाता है। और साथ ही साथ इसके टायर की बात करें 130/90 सेम 220 के तरह आपको टायर मिलता है विथ ब्लॉक अलॉय व्हील के साथ। और रियर सस्पेंस की बात करें तो 5-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है। और 130mm की आपको ड्रम ब्रेक आपको इसमें मिल जाती है। और सीट हाइट की बात करें तो 730mm की मिल जाती है मॉडर्न स्ट्रीट स्टाइलिश के साथ। और पिलियन बैकरेस्ट स्पॉटी आपको मिल जाता है, स्ट्रीक कंट्रोल हेडलैम्प मिल हैंडल बार मिल जाता है। साथ ही साथ टैंक आपको 13 लीटर और रिजर्व में 3.8 लीटर, इसमें आपको दो कलर मिल जाती है, एक एवनी ब्लॉक और एक स्पाइसी रेड। तो 160 में मिल जाता है आपको एनालॉग क्लस्टर। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार का जो स्पीड वगैरह दिखाता है बाइक में। और एवेंजर का आपको इसमें मिल जाता है मार्किंग किया हुआ, और लाइट वगैरह सेम है, सारा कुछ इसमें आपको मिल जाता है। एवेंजर 160 स्ट्रीट में भी आपको साइड इग्निशन मिलता है, और साथ ही साथ आपको 220 में भी साइड इग्निशन आपको मिल जाता है। और लेकिन 220 की बात करें तो आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है, और जबकि एवेंजर 160 में आपको एनालॉग मीटर मिलता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। और हाँ, मिलते हैं बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।